नमस्कार, एसपी 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नासमिन खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जहां अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाता है, तो वहीं 150 वकीलों का सीजेआई को चिट्ठी लिखना ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी साजिश मोदी सरकार द्वारा रची जा रही है। जहां ये आरोप लगाए गए कि जब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है, तो आखिरकार ईडी अधिकारी इसको चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों नजर आते हैं। तो खुलासा 150 वकीलों की लिखी गई चिट्ठी में होता है, जिसमें ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी अधिकारी के वकील ने एक बड़ी साजिश रची। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं सुधीर कुमार जैन और जो ईडी अधिकारी के वकील हैं, वो आपस में भाई हैं। ये आरोप यहाँ पर वकीलों द्वारा लगाया गया और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के हक में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। सुनीता केजरीवाल ने सीबीआई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या कुछ कह रही हैं सुनीता केजरीवाल, देखिए जरा। नमस्कार, क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी, यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे, क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्र वधु ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया। 17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई, वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे, तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया। और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे।
क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जय हिंद। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं, एक ऐसे सांसद हैं जो झूठा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए नजर आए थे। दरअसल ये झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लगाया गया। ये झूठा आरोप ईडी सीबीआई अधिकारियों के दबाव में लगाया गया। दरअसल उनके बेटे को कहीं ना कहीं सिकंजे में अधिकारियों ने कसा और उनके खिलाफ यहाँ पर जान से मारने की कोशिश भी की गई। और जिस दबाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने झूठा बयान अरविंद केजरीवाल के मामले में दिया, जैसे कि देखा जाए कि शराब नीति मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 2 से 3 बार अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाइयां हो चुकी हैं। ईडी अधिकारियों के तहत 12 जुलाई को अगली सुनवाई होती भी नजर आएगी, तो वहीं सीबीआई के तहत 17 जुलाई को सुनवाई होगी। अब देखना होगा सुनीता केजरीवाल के खुलासे के बाद क्या अब कोई नया मोड़ आता है, क्या केंद्र सरकार इसमें फंसती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।